प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम प्लस टू क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर फाइव कॉन्टीन्यूटी एंड डिफ्रेंशियबिलिटी की एक्सरसाइज फाइव पॉइंट टू कर रहे हैं हमारे सामने क्वेश्चन फाइव सिक्स सेवन एट है क्या करना है डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू तो एक्स फिफ्थ फिफ्थ क्वेश्चन चलते हैं फिफ्थ में हमारे पास वाई या फंक्शन जो दिया हुआ है एफ एक्स ये है साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी देखिए ये सेम नहीं है अदरवाइज तो टेंजेंट हो जाता है ये हमारे पास डिफ्रेंशिएट डिफ्रेंशियट विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं वाई डेस लिख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन है एक्स में यू अपॉन वी यू अपॉन वी कौन सा रूल क्योंसेंट रूल क्या करते थे डी अपॉन डी एक्स वी स्क्वेयर फर्स्ट फंक्शन सेकेंड माइनस सेकेंड का डेरिवेटिव यही फाइंड आउट करते हैं हम ऐसे ही तो क्या बन जाएगा नीचे हो जाएगा इसका स्क्वेयर मीन्स को स्क्वेयर सी एक्स प्लस डी ठीक है इसके बाद ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस बी इन टू नीचे वाला फंक्शन एज इट इज हो जाएगा कॉस ऑफ सी एक्स प्लस बी माइनस डिफ्रेंसी ऑफ या पहला फंक्शन एज इट इज लिख लेते हैं हम साइन ए एक्स प्लस बी एंड देन डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी ठीक है अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन अगर हम करते हैं डिफरेंशिएशन साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कोस अंदर जो भी वैल्यू है ए एक्स प्लस बी हो गई बट अभी हमने सिर्फ साइन का डिफरेंशिएशन किया है किसका डिफरेंशिएशन बचा हुआ है ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन अभी तक हमने नहीं किया है इन टू कोस ऑफ सी एक्स प्लस डी माइनस साइन ए एक्स प्लस बी हमारे पास एजडीज हो जाएगा डिफरेंशिएशन कोस का करते हैं तो क्या बनता है हमारे पास माइनस ऑफ साइन जो भी वैल्यू है सी एक्स प्लस डी इन टू अभी किसका बचा हुआ है सी एक्स प्लस डी का डिफरेंशिएशन हमारा बचा हुआ है तो क्या करेंगे अच्छा नीचे वाली वैल्यू इज लिखेंगे हम नीचे वैल्यू हमारे पास क्या है कोस केयर सी एक्स प्लस डी ठीक है चलिए ये बन गया हमारे पास कोस ऑफ ए एक्स प्लस बी डिफ्रेंसी अगर हम इसका करते हैं बी का क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट है ज़ीरो ए एक्स का ए हो गया सो इंटू ए इंटू कोस ऑफ सी एक्स प्लस डी माइनस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो प्लस लिख लेते हैं हम साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी और इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे आप सी एक्स का सी हो गया इंटू डी का क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा सी प्लस ज़ीरो सी हो गया हमारे पास एंड डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई कोस केयर सी एक्स प्लस डी हो गया इसको अरेंज करके लिखना चाहते हैं लिख लीजिए ए मैंने पहले ही लिख लिया अदरवाइज ये हमारे पास आंसर हो ही गया है ए इंटू कोस एक्स प्लस बी कोस ऑफ सी एक्स प्लस डी प्लस सी पहले हो गया साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाई को स्क्वेयर सी एक्स प्लस डी हो जाएगा ये हमारा डिफ्रेंशिएशन हो गया क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का चलिए आसान सा था स्क्रीन शॉट लेना चाहें ले सकते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स में चेक करते हैं Sixth में हमारे पास यू इंटू वी वाला फार्मूला नहीं लगेगा क्वेश्चन रूल नहीं लगेगा हमारे पास कौन सा रूल लगेगा दो फंक्शन हैं प्रोडक्ट रूल लगेगा प्रोडक्ट रूल में हमारे पास क्या था पहला फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड का डेरिवेटिव इंटू फर्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स वाई हमारे पास है कॉस ऑफ एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्र एक्स की पावर फाइव यू इंटू वी का फार्मूला क्यों प्रोडक्ट रूल डिफ्रेंशिएटिंग डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये हो गया हमारे पास वाइड एस पहला फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स ऑफ कोस एक्स क्यू पहले फंक्शन का सेकेंड फंक्शन हमने एज इट इज लिख लिया साइंस केयर इंटू एक्सरेस टू पावर फाइव प्लस पहला फंक्शन एज डीज हो जाएगा कोस ऑफ एक्स क्यूब डिफरेंशिएशन किसका लेना है हमने सेकेंड फंक्शन का साइन स्क्र इंटू एक्स रेस टू पावर फाइव हो जाएगा चेक कीजिए ये वैल्यू हमारे पास कोस का क्या होता है कोस का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन तो पहले मैं कोस का कर रहा हूँ माइनस ऑफ साइन एक्स क्यूब बट कोस का किया मैंने अभी एक्स क्यूब का नहीं किया डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब ये रहता है ये इंटू हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वेयर इंटू एक्स रेज टू पावर फाइव प्लस कोस ऑफ पहला फंक्शन तो एज इट इज़ था अब यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पावर है साइन स्क्वेयर पहले हम पावर का लेते हैं ठीक है तो पावर हमारे पास क्या हो जाएगी नीचे आ जाएगी क्या बनेगा टू इंटू टू ऑफ साइन टू ऑफ साइन एक्स रेज टू पावर फाइव पावर हमारे पास नीचे हो गई टू साइन एक्सरेस टू पावर फाइव अब डिफ्रेंसीन ऑफ डिफरेंसी ऑफ साइन एक्सरेस टू पावर फाइव चेक कीजिए नेक्स्ट में क्या बन जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स क्यूब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बनेगा थ्री एक्स स्क्र ये एज इट इज़ है इन टू साइन स्क्र एक्सरेस टू पावर फाइव प्लस कॉस एक्स क्यूब टू आगे ले लीजिए कॉस ऑफ एक्स क्यूब इंटू साइन ऑफ एक्स रेज टू पावर फाइव डिफ्रेंशिएसन किसका किया अब आपने साइन का साइन का डिफ्रेंसीसन क्या होता है कॉस एक्स रेज टू पावर फाइव बट अभी तक इसका डिफ्रेंशिएसन रहता है तो डिफ्रेंसीन ऑफ किसका होगा एक्स रेज टू पावर फाइव वैल्यू क्या बन जाएगी माइनस ऑफ साइन एक्स क्यूब इंटू ये इसको पहले लिख लीजिए ठीक है माइनस ऑफ थ्री एक्स स्क्र इंटू साइन ऑफ एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्र एक्सरेस टू पावर फाइव प्लस टू कोस एक्स क्यूब इंटू साइन ऑफ एक्सरेस टू पावर फाइव कोस ऑफ एक्स रेस टू पावर फाइव और ये बन गया हमारे पास फ़ाइव एक्स रेज टू पावर फोर हो गया ठीक है अरेंज करके लिखना चाहते हैं इसको आगे लिख लीजिए बन जाएगा क्या माइनस थ्री एक्स स्क्र साइन एक्स क्यूब साइन स्क्र एक्स रेस टू पावर फाइव टू फाइव जा टेन एक्स की पावर फोर कोस एक्स क्यूब साइन एक्स रेस टू पावर फाइव इंटू कोस ऑफ एक्स रेज टू पावर फाइव मुश्किल नहीं है बहुत ही आसान सा था ठीक है चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर सेवन सेवन में हमारे पास फंक्शन जो दिया हुआ है दैट इज टू ऑफ रूट कोट एक्स स्क्वायर है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या बन जाएगा हमारे पास वाइड एस डिफ्रेंशिएशन ऑफ टू कॉन्स्टेंट बाहर ले लें हम यहाँ पे कोट ऑफ एक्सक्र का डिफ्रेंशिएशन करना है क्या बन जाएगा टू इन टू यहाँ ये जो पावर है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ इसकी पावर वन बाई टू पहले पावर का होगा सो वन बाई टू अभी हम पिछले क्वेश्चन में हमने किया था कि रूट एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन है दैट इज़ वन अपॉन्ट टू रूट एक्स तो ये भी रूट ही था वन अपॉन्ट टू रूट रूट मीन्स कोट ऑफ एक्सक्वेयर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं किसका किया मैंने पावर का किया अभी डिफ्रेंसीन इसका बचा हुआ हमारा डी अपॉन डी एक्स कोट एक्सक्वेयर अभी मैंने पावर का डिफ्रेंसीसन लिया है इसका डिफ्रेंसीन अभी हम करेंगे टू से टू यहाँ पर हमारे पास कैंसिल हो गया क्या बचा वन अपॉन कोट एक्सक्वेयर इसका डिफरेंशिएशन अगर हम कर रहे हैं कोट का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस ऑफ माइनस ऑफ कोसिकेंट स्क्वेयर कोट एक्स का होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर ऑफ एक्स स्क्र अभी भी हमने सिर्फ इसी का किया है कोट का किया एक्स स्क्र का नहीं किया नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्र डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्र ठीक है क्या बन गया माइनस कोसिकेंड स्क्यर एक्स स्क्र इसको हम कैसे लिख सकते हैं इसको लिखा जा सकता है कोस ऑफ एक्स स्क्र डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एक्सक्र कोसिकेंड स्क्वेयर कोसिकेंड स्क्वेयर को भी अगर हम चेंज करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा वन अपॉन पाइन स्क्वेयर चलिए इसका पहले डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं ये हमारे पास क्या बन गया टू ऑफ एक्स बन गया अब हम इनको चेंज कर रहे हैं इनको चेंज करेंगे हमारे पास बन गया ये माइनस टू एक्स अपोन इसको मैं नीचे लेके जा रहा हूँ ये मेरा बन जाएगा साइन स्क्र एक्स स्क् साइन स्क्वेयर एक्स स्क्र यहाँ पे ये वैल्यू रूट ऑफ कोस एक्स स्क्र डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एक्स स्क्र एक साइन को अगर मैं अंदर ले जाऊँ तो हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी दिस इज माइनस ऑफ टू एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्सक्वेयर स्क्वेयर में है एक वैल्यू अगर हम अंदर लेके जाते हैं तो ये बन जाएगा साइन स्क्र एक्सक्र तो ये दो है हमारे पास इस साइन एक्स स्क्र इंटू साइन ऑफ एक्स स्क्र तो एक वैल्यू में अगर रूट के अंदर लेके जाता हूँ तो यही होगा या रूट से बाहर निकालूंगा तो ये वैल्यू बन जाएगी इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्र डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एक्स स्क्र यहाँ से स्क्र क्या हो गया मेरा कैंसिल हो गया वैल्यू क्या बन गई माइनस ऑफ टू एक्स अपॉन साइन एक्सक्वेयर मैंने रूट टू से मतलब रूट टू से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे रूट टू से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अंदर मैंने टू ले लिया मीन्स रूट टू से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे हमारे पास हो गया साइन एक्स स्क्र इन टू कोस ऑफ एक्स स्क्र क्या बनता है टू साइन थीटा कोस थीटा क्या बनता है साइन टू थीटा तो ये वैल्यू बन गई माइनस टू रूट टू एक्स डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एक्स स्क्र एंड दिस इज साइन ऑफ टू थीटा टू साइन थीटा कोस थीटा साइन टू एक्स स्क्र ठीक है साइन एक्स स्क्र इंटू रूट ऑफ साइन टू एक्स स्क्वेयर ये हमारा आंसर आ गया ठीक है आसान सा था मुश्किल नहीं है चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर एट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर एट में हमारे पास फंक्शन क्या दिया हुआ है कॉस ऑफ रूट एक्स कॉस ऑफ रूट एक्स एट वाई इक्वल टू कॉस ऑफ रूट एक्स डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएशन लेंगे डी वाई डी एक्स कॉस ऑफ रूट एक्स पहले किसका डिफ्रेंशिएशन होगा कोस का कोस का क्या होता है माइनस ऑफ साइन कॉस थिएटा इक्वल टू माइनस साइन थेटा माइनस ऑफ साइन रूट एक्स एंड देन डिफ्रेंशिएशन डिफ्रेंशिएशन आप किसका करेंगे रूट ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना है हमने माइनस साइन रूट एक्स डिफ्रेंशिएशन इसका कर रहे हैं रूट एक्स का रूट एक्स का अभी हमने थोड़ी देर पहले भी किया था वन अपॉन टू रूट एक्स हो जाएगा ये हमारा आंसर हो गया माइनस ऑफ साइन रूट एक्स डिवाइडेड बाई टू रूट एक्स इज आवर आंसर बहुत आसान है सभी जो क्वेश्चन हैं हमारे बहुत ही आसान है चलिए इस वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं तब तक के लिए जय हिंद